नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आरजेडी का एक कदावर नेता अली अशरफ फातमी, जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने आज जदयू की सदस्यता ग्रहण की। जिस आदमी की पहचान उस पर उस पार्टी के चंद लोगों ने, चंद नेताओं और उस पार्टी को छोड़ करके फैसला लेता है कहीं दूसरे जगह जाने का, ये साधारण फैसला उस व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बहुत ही वैसा ही फैसला आपके सामने किया और आपको मैं बधाई देता हूं। आप जिस जगह आए हैं इस पूरी पार्टी की तरफ से मैं अपनी ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अली अशरफ फातमी पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय से ही आरजेडी से नाराज चल रहे थे और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि बहुत जल्द वो आरजेडी पार्टी छोड़ेंगे भी, लेकिन कहाँ जाएंगे इसका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा ज़रूर थी कि वो जेडीयू में शामिल होंगे, क्योंकि जेडीयू जो अभी बिहार में, बिहार की राजनीति में जेडीयू काफ़ी सक्रिय है और जेडीयू का भविष्य उन्हें प्रतीत होता है, इसलिए जेडीयू में उन्होंने शामिल होने का अपना निर्णय किया और शामिल हुए भी। आपने देखा कि किस तरह से वो नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं, हालांकि आरजेडी छोड़ने का कारण कुछ और बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय में उनका जो तेवर था वो टिकट को लेकर के ही था, मामला कुछ भी हो, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि जदयू बीजेपी के साथ में है, बीजेपी और जदयू दोनों सरकार मिलकर के यहाँ पर चला रही है, वैसी स्थिति में बीजेपी के बारे में आपकी क्या सोच है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जनता दल यू ज्वाइन कर रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी को ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैंने बहुत विवरण आपको दे दिया और अभी से थोड़े दिन पहले जनता दल यू किसके साथ थी, राष्ट्रीय सदस्य साथ। 77 में हम लोग किसके साथ थे, 89 में हम लोग किसके साथ थे, 67-69 में हम किसके साथ थे, आगे किसके साथ होंगे भी नंबर। लेकिन जनता दल यू की जो प्रिंसिपल, जो उनके अपने अपनी सोच, अली अशरफ फातमी उसको ज्वाइन करना बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन पार्टी में रहने की वजह न हो, ये मैंने पहली मरतबा नहीं छोड़ा कि टिकट नहीं मिला तो छोड़ दिया। एक लंबी दास्तान है, जो लोग सियासत को वाच करते हैं, महसूस करते हैं, वो समझते होंगे कि मेरे पहले, मैंने 5 साल पहले भी रिजाइन किया था, सियासत के ऊपर पैसा गालिब हो जाए, जब सियासत के ऊपर बड़े लोग गालिब हो जाए तो मैं समझता हूँ सियासत कम होती है, गरीबों की बात कम होती है और चंद लोगों की बात ज्यादा होती है। राष्ट्रीय जनता दल किन हालात से गुजर रहा है वो आपको मालूम है। और मैं क्यों कमेंट करूं, जब जनता फैसला करेगी और ये जनता दल जनता के हाथ में छोड़ दीजिए। अभी तक आप सनमार्ग लाइव चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। सहयोगी राकेश के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।